नेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जिसको 40 साल 40 इयर्स के करीब हो गए हैं। ऑल ओवर इंडिया हमारी 19 ब्रांचें हैं, बॉम्बे, अहमदाबाद, उल्लासनगर। बेसिकल बिजनेस हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का है, जहां रेडीमेड गारमेंट्स बनता है वहां हमारी ब्रांच है, 19 ब्रांचें हैं। और दूसरे लफ्जों में अगर हम कहें तो वी आर फाइनेंसर ऑल ओवर इंडिया। करीबन 5000 मैन्युफैक्चरों से हमारा वर्क होता है ऑल ओवर इंडिया। 3700 कस्टमर वीपी के नेटवर्क में है। छोटी से छोटी जगह का भी होलसेलर कोई ना कोई नेटवर्क जरूर होगा। इसको मैं आपसे ज़्यादा शेयर ये करना चाहूँगा, सर्वप्रथम तो मैं प्रवीण जी और उनकी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म, एक दूसरे को गेट टुगेदर और अपने बिजनेस को कैसे इम्प्रूव करा जाता है वो रखा गया। एक बार जोरदार तालियां। देखिए, हर एक की स्टार्टिंग छोटी होती है, जीरो से ही स्टार्ट होता है। लेकिन अगर देखिए आप सब, अगर कोई भी मनुष्य या जो भी बिजनेस करना चाहता है, अगर उसके पास एम नहीं है, किसी ने कहा ये कर लूंगा ये कर लूंगा ये कर लूंगा ये कर लूंगा, इसका मतलब उसका कोई निश्चय नहीं है, कोई एम नहीं है उसके पास। सबसे पहले तो एम चॉइस करें, और जब एम चॉइस हो जाए तो उस पर निश्चय रखे, विश्वास रखे कि हम जरूर कामयाब होंगे। नंबर तीसरा, आप किसको मॉडल मानते हैं। मैंने अपनी लाइफ में दो प्रकार से व्यापार होता है, एक व्यापार तो होता है जो तजुर्बा कर करके आप उसके नियम बनाते हैं, एक व्यापार होता है किसी को रोल मॉडल मानते हैं। तो जरूरत अब है यह है कि आप किसको रोल मॉडल मान रहे हैं। जब मैं अपनी मार्केट्स में आया, मैंने स्टार्ट करा सन 78 में, मैं गांधीनगर रेडीमेड मार्केट्स में आ गया था। तो जब मैंने स्टार्ट करा तो मेरे सामने एक पर्सन जिनका उस समय करीबन कोई 90 के आसपास की बात है, 1 करोड़ रुपए पर डे का उसका नेटवर्क था। मैं उसकी बातों पे भरोसा नहीं करा, मैंने कहा कि ऐसे ही होगा, हवा मारते, 10 की 100 वैसे ही बना देते। लेकिन जब मैंने उसकी गहराई में गया तो एक्चुअल पाया कि वाकई में 1 करोड़ रुपए पर डे का इसका बिजनेस है। तो जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, पहले तो अपने अंदर ये भावना आपको लानी होगी। दूसरा, कैसे कर रहा है वो, उसकी क्या खासियत है, उसकी करने का तरीका हमें अपनाना होगा। हम ठीक उसी पद्धति पे चलते हुए उस मंजिल को हमने हासिल की। उसके बाद अब ये आया कि भाई आप में क्या खास बात है, आप एक खास बात है, आपसे क्यों करें। यहां इतने बिजनेसमैनों ने अपना परिचय दिया, चीज दिया, भाई आपसे बिजनेस क्यों करे, वो यूएसपी क्या है आपकी, और वो यूएसपी हमें खुद बनानी पड़ेगी। उसकी सामने वाले जिसका रोल मॉडल आपको पसंद आया और जिसके ऊपर आप चल रहे हैं, उसका हर आदमी का, हर बिजनेसमैन का कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है, और उस वीक पॉइंट को ही हमें लेकर आगे बढ़ना होता है। आज हमारे जो बिजनेस है, टोटल हमारे बेटे संभाल रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारा का सारा काम नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ ला दी है। उनसे जब कोई भी पूछता है कि आपकी यूएसपी क्या है, तो 3 लफ्जों में ही यूएसपी बयान हो जाती है। नंबर एक, सर हमारी 19 ब्रांचें हैं, करीबन 5-6 ब्रांचेज और अभी खुलने वाली है रिसेंटली, साल में 19 ब्रांचें हैं।
5000 मैन्युफैक्चरों से काम होता है। आप कहीं से भी परचेज करेंगे, बिल आपको वीपी कंपनी का आएगा और आपने पेमेंट भी वीपी को ही देना है, यानी सिंगल अकाउंटेंसी, नंबर एक। दूसरा, जब मैं व्यापार संभालता था तो हमारी जो ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेज में करीबन 300 से 400 मोबाइल नंबर होते थे, हर एक के अलग 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 अलग। जब बेटे ने इसमें एंटर करा, ऑल ओवर इंडिया एक ही नंबर है 0771827182। ये कस्टमर हो चाहे मैन्युफैक्चर हो, इस पर आप 19 ब्रांच के 5000 मैन्युफैक्चर का लेस पता कर लें। क्या बात, वंडरफुल, ओके। आप लेस पता करें, अगर आपको लगता है मुझे सीधा फायदा है सीधा कर लीजिए, अगर आपको लगे वीपी के द्वारा फायदा है, वहां आप कैश में जो लेस लेंगे वो वीपी आपको 60 दिन की क्रेडिट साइड पर वो देगा। कंपेयर करिए, ओपन गेम, अब तो सारा ऐप ने संभाल लिया है, ऐप पे प्रत्येक ब्रांड, उसके आगे हर कंपनी का लेस लिखा हुआ चीज लिखे है, आप उसको देख सकते हैं कहीं भी परचेज करने जाए पहले। तीसरा सबसे बड़ा जो मेन उन्होंने काम किया, हमारा तो एक्चुअली फाइनेंस का काम होता है। फाइनेंस का क्या काम है, मान लीजिए दिल्ली है, करीबन दिल्ली के करीबन 600 मैन्युफैक्चरों से अप्रोक्सीमेट काम होता होगा, वो जो माल हमारा शिपिंग होता है बिलिंग वीपी की होती है, पेमेंट वीपी ने ही देना है, माल उसको चला गया पेमेंट वीपी ने दे दी, मैन्युफैक्चर फ्री हो गया। तो फर्स्ट टाइम गांधीनगर में भी मेरे ख्याल में ये फर्स्ट टाइम ही होगा, और शायद वीपी ही एक ऐसी फर्म होगी जो 100% पक्के में काम करती है, कच्चे में काम नहीं करती। तो कस्टमर को पावर दे दी, जिसका जितने का भी अकाउंट खुला हुआ है, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जितने का भी अकाउंट खुला हुआ है, वो अपने मोबाइल ऐप के द्वारा डायरेक्ट मैन्युफैक्चर को ऑर्डर दे सकता है। ये तीन स्पेशलिटी है, इस समय करीबन 250 आड़ती काम करते होंगे गांधीनगर में अप्रोक्सीमेट। कहीं से भी आप कंपेयर करें, अगर आपको लगे कि भाई हमारे द्वारा फायदा है हमें मौका दें, तो ये यूएसपी जनरेट करें। यही चीज आप लोग भी अपने व्यापार के अंदर जब तक हम नहीं डालेंगे तब तक हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। एक बहुत बढ़िया आज का ट्रेंड चल रहा है कि शेयर इशू करने का और क्या कहना है, इन्वेस्ट लाने का, अमाउंट लाने का, उसके बारे में भी सीए से कंसर्न हुई और उन्होंने मेरे को कहा, लेकिन मैंने कहा कि ये आईपीओ क्यों लाया जाता है, रीजन क्या है। या तो मोटिव होता है कि कंपनी का ये आगे बहुत बड़ा प्लान है, ये चीज है, ये करना है, वो करना है, ऐसा हमारा अभी कोई प्लान है नहीं, और फाइनेंस की ठाकुर जी की कृपा की वजह से कोई जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा आईपीओ लाइए, ये आपके लिए बेटर रहेगा। ये तो मैंने, अब हमारे बच्चे जो है सारे बिजनेस संभालते हैं, सारा काम करते हैं। अब मेरी इच्छा, मेरी 60 ईयर्स का होने जा रहा हूँ मैं, तो मेरी इच्छा ये है कि सारी जिंदगी दो दुनी चार करके नहीं गुजारनी मुझे, कुछ सेवा, समाज सेवा, किसी के अगर मैं काम आ सकूं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश, जिसका मैं अध्यक्ष हूं, 60,000 मेंबर्स है ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ दिल्ली दिल्ली के, तो 1 लाख वैसे बंधुओं से मेरा पर्सनल टच है। हमारे उद्देश्य क्या है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी है, राज्यसभा सांसद है वो, आप पार्टी से हमारे समधी है, उन्होंने 2022 का उद्देश्य क्या दिया, 2 मिनट और लेना चाहूँगा सिर्फ, 2022 का उद्देश्य क्या है। कोरोना काल आपने देखा, कोरोना काल का 2 साल से कितना भयानक रूप हुआ, लेकिन ये आता क्यों है,
क्या कारण ये प्रॉब्लम आती है? ये प्रॉब्लम जब भी आती है उसका मेन कारण होता है जब मनुष्य अपने आप को भगवान से ऊपर समझने लग जाता है। मेरे अपने इतने मकान है, इतने ये है, इतनी वो है, मेरी पहचान है, मिनिस्टर से मैं ये करा सकता हूँ, वो करा सकता हूँ। वो ठाकुर जी या जिसको भी आप इष्ट देव मानते हो, चाहे वाहेगुरु है, जो भी है आप जिसको मानते हो, वो उसको काउंट ना करके उससे आगे जाता है। वो अपने आप को जब समझने लगा तब प्रकृति अपना रूप दिखाती है। क्या हाल हुआ पीछे, कितने केसेस, बंधु जी ये बेड दिला दीजिए, ये वो करा दीजिए, चीज करा दीजिए, मेरे को खुद इतनी तकलीफ हुई, सब कुछ होते हुए भी मैं हेल्प नहीं कर पाया। कितने आदमियों ने तो यहां तक कहा कि बंधु जी चाहे कुछ भी लग जाए, 10 लाख रुपए भी लग जाए, मेरे को सिलेंडर दिला दो, मेरे को ये दिला दो, तो इसका मतलब पैसा काम नहीं आया। जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं और हर समय वही चीज को हम काउंट करते हैं तो वो चीज काम नहीं आई। लास्ट में एक ही बात काम आई कि उस परम पिता परमेश्वर, उस ठाकुर को याद करो, उस घोड़ को याद करो, वो ही अब कुछ हेल्प कर सकता है। तो एक कहावत और है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को है। तो ये जब हम सुख में प्रभु को याद रखेंगे तो ऐसे दुख नहीं आएंगे। उसी उद्देश्य को देखते हुए 2022 का हमारा जो टारगेट है 100 परिवार, आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए नहीं आएगा, ये जितने भी उद्देश्य है आपके काम नहीं आएंगे, लेकिन आपके नीचे जो फैक्ट्री में लेबर काम करती है, जो ड्राइवर काम करता है, जो काम करने वाली काम करती है, उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। 100 परिवार जिनके कोरोना काल में, और एक चीज और है, ये योजना प्रत्येक वर्ग के लिए है, खाली वैश्य बंधु के लिए नहीं है। वैश्य बंधु या कोई भी है अपना नाम चाहता है, भाई नाम तो आप भी जो भी कंपनी का रखते चीज रखते अपना रखते, लेकिन प्रत्येक वर्ग के लिए है। तो ऐसे 100 परिवार जिनकी कोरोना काल में नौकरी चली गई या नौकरी करने वाला चला गया, उन परिवारों का अपना मकान होना चाहिए, उस मकान में 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देकर, उसको सामान दिलाकर उसको कारोबार कराया जाता है ताकि उसकी रोजी रोटी का साधन बन सके। आज 19 दुकानें खुल चुकी है और बाकी का भी पूरा प्लान है कि 2022 तक हम कर जाएंगे। इसके अलावा देखिए, एक चीज ऐसी होती है जो कोई नहीं छीन सकता, रुपया हो गया, पैसा हो गया, चीज हो गया, चोर आया, चोरी करके ले गया, छीन ले गया, लेकिन जो योग्यता, जो गुण होता है उसको कोई नहीं छीन सकता। हमारा संगठन दिल्ली प्रदेश के अंदर इस समय 65 बच्चे डेली कंप्यूटर सीखते हैं, बीजी टैली और डीटीपी का 3 महीने का कोर्स फ्री सिखाया जाता है। इसके साथ 100 योग टीचर बनाना, योग टीचर कैसे बनाना है, योग टीचर का 3 महीने का कोर्स होता है, जो योग सिखाते हैं प्रतिष्ठित संस्था कंपनियां होती है जिनके द्वारा योग सिखाया जाता है, अप्रोक्सीमेट 25,000 रुपए का खर्चा आता है, उनको 3 महीने का कोर्स कराकर सर्टिफिकेट दिलाकर प्लस गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट दिलाया जाता है। उस सर्टिफिकेट से वो हुनर उसके पास आ गया कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी वो योग सिखाकर 15,000 से 20,000 रुपए का तो मिनिमम इनकम पैदा कर जाएगा। और ऐसे सर के ही शिष्य जो शिल्पी जी है, जो योग का बहुत बड़ा हिस्सा, उसमें 30 बच्चे तो अभी प्रेजेंट सीख रहे हैं उस पर, ये कोर्स के लिए उसके, वो सर की असिस्टेंट है जी और उन्होंने वो काम करा। इसके अलावा अभी मैं सौभाग्य से या
जेल वर्ड तो एक ऐसा है, दुर्भाग्य ही कहेंगे सौभाग्य, वो बात अलग है। पीछे सर्दी थी तो वहाँ से मेरे पास आया मैसेज कि इनको स्वेटर की ज़रूरत है। मैं 500 स्वेटर्स लेकर, मैं नहीं मतलब देखिए मैं तो आ ही जाता है, मैं वर्ड एक, लेकिन संगठन के द्वारा 500 स्वेटर लेकर जब जेल में गए तो वहाँ पर उनको दिए। तो उन्होंने सर ने एक बात और मेरे से कही कि सर जब इनकी अवधि पूरी हो जाएगी तो इन ये बाहर निकलते फिर कोई गलत कार्य करेंगे, तो ऐसे में आप इनका कोई रोजी रोटी का साधन बना जाए। तो उसके बाद संगठन ने यह डिसीजन लिया कि 10,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता देकर इनको रेडी लगवाना, सब्जी की प्रेस लगाओ, ये करो वो करो, कुछ भी कार्य करो, 10,000 रुपये तक का उनको सम्मान दिलाया जाता है। इसके साथ साथ दो पॉइंट्स और मैं बताना चाहूँगा। यूपीएससी का एग्जाम आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए कोचिंग बहुत जरूरी होती है और कोचिंग का खर्चा भी बहुत होता है। जो कैपेबल नहीं है उनको 50,000 रुपये तक का, 50,000 ही तक का नहीं दिया जाता, 50,000 का ही ड्राफ्ट उनको बनाकर दिया जाता है ताकि वो अपना कोर्स पूरा करके जो उसकी इच्छा आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर जो बनना चाहती है वो दे सकती है। लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा, बतेरी कन्याएं ऐसी होती है जिनके यहाँ मैरिज नहीं हो पाती है या पहले करा था लेकिन कोरोना ने सब कुछ छीन लिया वो कर दिया, ऐसे परिवार को 50,000 रुपये तक का उनसे पूछा जाता है सामान क्या चाहिए आपको और वो सामान लाकर उनको दिया जाता है। ये उद्देश्य मैं लेकर साथ चल रहा हूँ। मेरा ये इच्छा, अगर आप में से भी देखिए, हर आदमी स्वार्थी है, कैसे हम यहाँ पर आए हैं इसमें कोई आदमी ये बता सकता है कि मैं निस्वार्थ आया हूँ? मैं भी स्वार्थ से ही आया हूँ, तो सारे स्वार्थी है। सिर्फ आप सबसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, महीने में एक काम निस्वार्थ का कर रहे जिसमें आपका स्वार्थ ना है। और वो निस्वार्थ क्या है, हमारे संगठन का मोबाइल नंबर और वो उसका लैंडलाइन नंबर दे दे, बस बाकी काम संगठन अपने आप ही उसे बुला कर 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 वो कार्य कर लेगा। उसकी डिटेल मैं प्रवीण जी के पास है और वो काम अगर आप करेंगे तो ठाकुर जी की कृपया आप पर भी मेहरबानी होगी। एक काम महीने में निस्वार्थ करता है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। लास्ट में प्रवीण जी से मेरी बात हुई, हम लोगों का दिल्ली का पूरा अच्छा नेटवर्क होने की वजह से टॉप के अच्छे मैन्युफैक्चर बिजनेसमैन सारे टच के हैं, तो उनमें से हमारे पास 25 जो अच्छे टॉप के बिजनेसमैन है उसका समूह है मेरे पास। वो समूह ये चाहता है, वो ये चाहता है कि हम जो युवा जन चाहता है, लेकिन उसके पास तीन चीजों की कमी होती है। एक तो होता है सलाह, एडवाइस कैसे दिया जाए। प्रवीण नारंग जी कितने टाइम से ये कार्य कर रहे हैं और कितने उनसे आगे बढ़ गए। दूसरा फाइनेंस की, फाइनेंस में जरूरत है। तीसरा पार्टनर की, 1,00,000 रुपए से लेकर 1,00,00,000 रुपए तक की इन्वेस्ट वो एनी टाइम करना चाहते हैं। आप जब भी, मैंने कहा सर से एक प्रोग्राम रखिए जहां मैं वो फाइनेंसर को लेकर आऊं अपने पास साथ और जो करना चाहते हैं उनका परिचय भी कराया जाए ताकि वो भी आगे बढ़ सके। और प्रवीण जी के जो कार्य हैं उनको देखकर एक बहुत ही दिल खुश होता है। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय श्री कृष्ण।